गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिएगा ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम के लिए जो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की जो नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा प्रीवियस क्लास में हमने कूलाम का नियम के बारे में बात की थी, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला परिणामी कूलाम बल। यानी अगर किसी भी बिंदु पर किसी भी निकाय के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में आवेश स्थित हैं और उन सभी आवेशों के द्वारा एक पर्टिकुलर आवेश के ऊपर जो अलग अलग बल लग रहा है उसका मान हम कैसे निकालेंगे, यानी इस नियम को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी का क्या नाम है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश हैं, वो मूल बिंदु से क्रमशः R1, R2, R3 दूरी पर रखे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम R1 आवेश के स्थान पर इस Q1 पर जो बल लगा रहा है, अगर हम उसकी बात करें Q2 के द्वारा, ये जो बल लगाएगा Q2 अगर उसके बारे में बात करें, इसी प्रकार इस R1 पर ये Q3 जो बल लगाएगा उसकी बात करें, या Rn जो बल लगाएगा अगर हम उसकी बात करें, तो देखिएगा जो Q2 है इस Q1 के ऊपर जो बल लगाएगा वो इस दिशा में हो गया F12, यानी फोर्स ऑन वन U22, यानी प्रथम चार्ज पर Q1 चार्ज पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार इस Q1 पर Q3 के द्वारा जो बल लगेगा वो कौन सा हो गया, F13, यानी प्रथम चार्ज पर तीसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया बल। ऐसे ही n चार्ज की वजह से इस Q1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F1n, यानी इस चार्ज पर अलग अलग बल लग रहे हैं, तो जो नेट बल कितना होगा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वो जितने भी बल लग रहे हैं Q1 चार्ज पर उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी फर्स्ट F1 प्लस F2 प्लस इस तरह से कितने Fn तक, क्योंकि कितने चार्ज रखे हैं Fn तक। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहले अगर हम दो पहले और दूसरे आवेश के बीच का अगर हम बल की बात करें कूलाम नियम से, तो उनके ऊपर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R2। यहाँ पर 1-2 क्या है, पहले और दूसरे के बीच की दूरी R12। ठीक है ना, और R12 कैप ये जो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है ना, हमने इसको किस में फॉर्म में लिखा है, सदिश रूप में लिखा है। ऐसे ही Q3 और Q1 के बीच का जो लगने वाला बल वो कितना हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही Qn और Q1 के बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, Q1 और Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। यानी अगर Q1 के पास n चार्ज रखे हुए हैं तो वो सारे n चार्ज उसके ऊपर बल लगाएंगे, तो परिणामी बल जिसको हम किससे निकालते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो वो कितना हो जाएगा, जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उन सभी को हमने जोड़ लिया, यानी F12 की वैल्यू हमने रख दी, F21 की वैल्यू हमने 13 की रखी, हमने F1n की वैल्यू। तो यहाँ से देखिएगा F12 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। F13 कितना हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। F1n कितना हो जाएगा, Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम बात करें Q1 को अगर हम कॉमन ले सकते हैं सभी से, क्लियर, तो Q1 को जब हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास अंदर, Q2 बचेगा यहाँ पर, Q3 यहाँ पर बचेगा, अप टू Qn तक। ठीक है ना, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत। I इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से अंदर की ओर, और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया Q I अपॉन RI इक्वल टू RI कैप। तो ये क्या हो गया आपके पास, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पर किसी दूसरे परीक्षण आवेश को लाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक कूलाम बल लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिएगा यानी किसी भी बिंदु आवेश के ऊपर, जैसे विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से, ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ अपॉन Q
क्यू, बिंदु आवेश है तो हम उसको क्यू नोट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम उसकी बात करें विद्युत क्षेत्र की इकाई की बात करें तो इकाई कितना होता है, एफ यानी फोर्स, फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन, और क्यू क्या होता है चार्ज, यानी आवेश यूनिट क्या होती है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है ना। और दूसरी इकाई क्या है वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर कहाँ से आती है, ठीक है। तो यहाँ से कूलाम बल से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान करें तो एफ बटे क्यू नोट, ये क्या होता है विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला, ठीक है। अगर सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम इसकी विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो कितनी होगी एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ऐसे कैसे आई है ये देखिएगा, आपको फोर्स की पता है न्यूटन की, यानी कितनी होगी एम वन एल वन टी माइनस टू, ये किसकी होती है बल की होती है बटे। चार्ज की कितनी होती है क्यू बराबर क्या होती है एटी, हमने क्या रखा एटी। अब देखो एम वन एल वन, ए ऊपर जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और माइनस टू ऑलरेडी है तो टी कितना हो जाएगा माइनस का थ्री। तो आप समझ गए कि विद्युत क्षेत्र की विमा कैसे निकाली जाती है। किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर निकलता है, ठीक है ना, और लंबवत ही प्रवेश करता है, यानी किसी भी सतह पर विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। दूसरा, अगर धनात्मक आवेश है यानी क्यू का मान जीरो से बड़ा है, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है, यदि क्यू का मान जीरो से बड़ा है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, अगर क्यू का मान छोटा है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। आप सीधा याद रखें कि धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, यहाँ पर देखिए जो ये तीर के निशान है ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ऋणात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा अंदर की ओर होता है, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि किसी भी बिंदु आवेश क्यू के कारण किसी निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए बच्चों, किसी भी निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें कि ये प्लस का क्यू कोई चार्ज रखा हुआ है और उससे आर दूरी पर एक क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा इन दोनों चार्ज के बीच में, क्यू प्लस का और क्यू नोट है, इनके बीच में जो बल लगता है उसको हम किस बल से बोलते हैं, कूलाम के बल से, और वो बल का मान कितना हो जाएगा के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और आर कैप क्यू लिखा है हमने वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है, ये क्या हो गया उनके बीच का बल। अगर हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से बात करें तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र पी पर कितना होगा, एफ अपॉन क्यू नोट, यानी बल बटे चार आवेश। अब एफ का मान तो हमारे पास यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ से एफ का मान लिखा हमने, यहाँ पे रख दिया अपॉन क्यू नोट। देखो क्यू जीरो से या क्यू जीरो कट गया, इसको क्यू जीरो नहीं बोलते हैं, क्यू नोट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कितना बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मीन्स कि जो किसी भी बिंदु आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो केवल किस पर निर्भर करता है, उस आवेश पर निर्भर करता है, जो टेस्ट आवेश होता है क्यू नोट उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है कि एक क्यू दो कूलाम आवेश है, उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो कितना है 100 न्यूटन है, तो उस क्षेत्र उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है आपको। तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, विद्युत बल अपॉन आवेश, यानी 50 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो कूलाम नियम है उसका सदिश निरूपण, यानी जो कूलाम नियम है वो किसको दर्शाता है, बल को दर्शाता है। तो बल का सदिश निरूपण यानी सदिश के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा मान लेते कि ये Q और Q1 और Q2 का क्रम से है, Q और P बिंदुओं पर रखे हैं, ठीक है, और O बिंदु से उनकी दूरी R1 और R2 है। Q1 की दूरी कितनी R1 और Q2 की दूरी कितनी है R2। अब देखिएगा जो Q1 है Q2 पर जो बल लगाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम R1 से 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन सदिश है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, विस्थापन सदिश हो गया। तो अगर हम बात करें के क्यू टू क्यू अपन आर वन टू के बारे में, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा,
आर कैप सदिश की फॉर्म में, अब देखिएगा इसको हम सदिश की फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको पता है कि जो इकाई सदिश होता है आर कैप वो किसके बराबर होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं उसको सदिश का परिमाण से ये वाला, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया, ये आर क्यूब के अंदर हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, सदिश फॉर्म में। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि न्यूटन का सॉरी जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिएगा विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय यानी जो फिजिकल जो डेफिनेशन है वो क्या होती है विद्युत क्षेत्र की, कि किसी भी विलगित निकाय में उपस्थित आवेश पर विद्युत बल की दिशा ज्ञात करने में विद्युत क्षेत्र का सार्थक उपयोग है। ठीक है, यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्चुअल में क्या काम आता है कि किसी भी बिंदु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र विद्युत बल की दिशा। तो सीधा याद रखिएगा, मैं ये आप लैंग्वेज खुद पढ़ेंगे, रिविजन नोट है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कि धनात्मक आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है लेकिन जो ऋणात्मक आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, तो ये जैसे प्लस का क्यों आवेश है तो उसके ऊपर बल लगेगा, वो किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, इसलिए वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश है तो उस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। क्लियर, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक विद्युत बल रेखाओं की, कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि किसी भी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको दर्शाने के लिए जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो समझ गए विद्युत बल रेखाएं क्या काम आती है, किसी भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए काम आती है। ये आभासी होती है, मतलब रियल में नहीं होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है ना, अगर हम इसकी गुणधर्म की बात करें तो देखिएगा विद्युत बल रेखाएं हमेशा कहाँ से निकलती है, धनात्मक से बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो पहला गुणधर्म क्या हो गया, ये धनात्मक से बाहर निकलती है और ऋणात्मक पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना, अगर एकल आवेश है, एकल मतलब अगर केवल अकेला आवेश है तो ये कहाँ पर खत्म होंगी, अनंत पर जाकर खत्म होंगी। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं यानी ये बीच में से टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है, अगर बीच में टूट जाएंगी तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सतत राशि है, वो लगातार होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर तीसरे पॉइंट की बात करें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, क्यों नहीं काटती हैं, अगर किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी इसका मतलब क्या हुआ कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। ठीक है, जो असंभव होता है। ठीक है ना, और विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है ना, वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, केवल धनात्मक से निकल के ऋणात्मक पर खत्म होती है। ठीक है ना, विद्युत बल रेखाएं वो कुजालक पदार्थों से परागमित हो जाती हैं लेकिन चालक पदार्थों से नहीं। इसका मतलब कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कुचालक पदार्थ होते हैं यानी जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उनसे तो पास हो जाती हैं लेकिन जो चालक होते हैं उनके अंदर से विद्युत धाराएं पास नहीं होती हैं। ठीक है ना, और एक बिंदु आवेश से निकलने वाली रेखाएं की संख्या वो कितनी होती है, क्यू बटे एन होती है। ठीक है ना, कि किसी भी बिंदु आवेश से जो निकलने वाली बल रेखाएं वो कितनी होती हैं, क्यू बटे एन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ध्यान रखना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा ये चित्र दे रखा है आपको, एक एग्जाम्पल है, धातु का बना एक ठोस गोला एक समांग यानी यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में रखा है, धातु का बना है, इनमें से कौन सी सही बल रेखा दर्शाएगी। तो देखो आपको बताना है पहली वाली नहीं दर्शाएगी, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रही है, धातु के अंदर नहीं जाती है, तो इसमें से केवल जो फोर्थ वाली है वो ही दर्शाएंगी। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी गोलाकार वस्तु के अंदर, किसी भी गोलीय चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना, तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि विद्युत रेखाएं कभी भी धातु के गोले के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें कि विद्युत द्विध्रुव, देखो द्वि का मतलब क्या होता है, दो,
ध्रुव का मतलब क्या होता है, एंड पोल, ठीक है ना। तो विद्युत ध्रुव क्या कहलाता है कि अगर दो समान आवेश, ठीक है ना, दोनों आवेश क्या होने चाहिए, समान लेकिन विपरीत प्रकृति के, वो अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो एक दूरी पर रखे हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। यानी दो समान आवेश, यानी एक प्लस का होना चाहिए, दूसरा किसका होना चाहिए, माइनस का, अगर दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, जैसे एक 10 कूलाम का है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 10 कूलाम का, ठीक है। जो आदर्श द्विध्रुव होता है उनकी दूरी बहुत कम होती है, यानी दोनों आवेश के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श द्विध्रुव। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक पहले तो सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, सदिश, और इसको हम पी से लिखते हैं, स्मॉल पी से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी एक आवेश को अगर उसकी लंबाई से गुणा कर दिया जाता है, द्विध्रुव की लंबाई से गुणा कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी किसी भी आवेश को अगर उसकी लंबाई से गुणा कर दिया जाए, द्विध्रुव की लंबाई से गुणा कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, और इसकी दिशा हमेशा माइनस से और प्लस की ओर होती है, ये ध्यान रखना है आपको। द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। अगर हम इसकी इकाई की बात करें, मात्रक की, तो देखो Q अब इंटू 2A है, तो Q का मान क्या है, कूलाम। Q क्या होता है, आवेश, तो आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, और 2A यानी दूरी है, तो उसकी क्या होती है, मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर क्या होती है, उसकी इकाई होती है, ठीक है ना। डायमेंशन की बात करें तो M0, L1, T-1 और A1, ठीक है ना। अब देखिएगा विद्युत द्विध्रुव का भौतिक सार्थकता, यानी विद्युत विभिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक यौगिकों में द्विध्रुव यौगिकों व अद्विध्रुव यौगिकों की पहचान, द्विध्रुव के सार्थक महत्व है, ठीक है ना। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, इनमें क्या होता है, द्विध्रुव होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं, ठीक है। जैसे यदि किसी यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो वो कैसे कहलाते हैं, अध्रुवित कहलाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप इनको। अगर जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवित यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव पर प्रभाव। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव को अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी एक द्विध्रुव को हमने थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू एक द्विध्रुव है, थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो आपको पता है कि इसकी लंबाई कितनी है, 2a के बराबर है। अब देखिएगा कि जो प्लस आवेश है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो धनात्मक आवेश है उसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है उस दिशा में बल लगता है, और जो ऋणात्मक आवेश है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। यानी प्लस क्यू पर जो बल लगेगा एफ बराबर क्यू ई, वो किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू पर जो बल लगेगा एफ बराबर क्यू ई, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। यानी एफ प्लस और एफ माइनस ये दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे। अब विपरीत दिशा में लगेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल बल का मान तो कितना हो गया, 0, लेकिन दोनों बल हैं वो एक रेखा के अनुदिश नहीं लग रहे, दोनों बल अलग अलग रेखाओं अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि ये जो द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। यानी इसके ऊपर क्या लगेगा, बल आघूर्ण, टॉर्क लगेगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा में बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो बल क्या हो जाएगा, एफ इंटू दोनों की, तो एफ बराबर क्या हो गया, यहाँ से क्यू इंटू ई हो गया और इंटू 2a साइन थीटा। अब ये 2a साइन थीटा कहाँ से आया, देखो बच्चों ये जो 2a है वो क्या है, द्विध्रुव की लंबाई। तो हम ये जो दूरी निकालेंगे सीधी लंबवत दूरी, ठीक है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू से, तो वो कितना हो जाएगा, थीटा अगर ये P पर है तो वो सामने लंब हो गया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण
ठीक है, तो यहाँ से ओ क्यू कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने लंबवत दूरी रख ली, तो क्यू इंटू 2a साइन थीटा, तो क्यू इंटू 2a ये क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने पढ़ा था ना कि आवेश गुणा में द्विध्रुव की लंबाई है वो क्या कहलाती है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इंटू ई साइन थीटा, और आपको पता है जब साइन थीटा हटता है तो क्या आता है बीच में, क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, डॉट नहीं आता है, ठीक है, बिंदु नहीं आता है। तो ये क्या होता है, बल आघूर्ण, यानी जो टोकी यानी घूर्णन की जो बल आघूर्ण की जो दिशा है विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण की दोनों के लंबवत होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा, आपने पढ़ा कि जो टो होता है वो पी साइन थीटा है, अगर द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, समांतर यानी जीरो डिग्री पर रखा है, तो आपको पता है साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, जीरो, तो उसके ऊपर कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा क्योंकि टो का मान भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, जब द्विध्रुव के ऊपर कोई बल ही नहीं लगेगा तो वो कैसी अवस्था हो जाएगी, स्थायी संतुलन अवस्था, ठीक है। अगर वो थीटा है, अगर वो 90 डिग्री पर है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो नेट बल तो शून्य होगा लेकिन बल आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम। भी दो बल है विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो कुल बल तो क्या हो जाएगा, शून्य हो गया, लेकिन साइन 90 क्या होता है, अधिकतम। तो उस टाइम कितना हो जाएगा, पी कब होगा, मैक्सिमम कब, जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, आपकी बुक का है, इजीली हो जाएगा, अगर किसी में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है कि द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य, यानी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम द्विध्रुव को घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। तो देखिएगा, आपको पता है कि हमने माना इसको द्विध्रुव है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, आप उसको डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डब्लू बराबर क्या होता है, टो इंटू डी थीटा, ठीक है ना। तो टोटल डब्लू कितना हो जाएगा, बी थीटा वन से थीटा टू हमने घुमाया, टो इंटू डी थीटा। अब टो किसके बराबर होता है, पी साइन थीटा के, तो हम टो की वैल्यू यहाँ से देते हैं पी साइन थीटा, तो साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस थीटा, तो हमने किसको रखा, माइनस कोस थीटा से लेके और ये माइनस कोस थीटा वन तक हमने वैल्यू रख दी, तो ये कितना हो जाएगा, पी बराबर कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ठीक है। तो यदि द्विध्रुव साम्य अवस्था में यानी जीरो डिग्री पर है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, कोस जीरो का मान कितना होता है, वन, तो पी वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर है तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, जीरो, तो कितना हो जाएगा, पी, ठीक है ना। अगर जीरो से 180 घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, टू पी ई के बराबर अधिकतम कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, आपको करना है, ठीक है। अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, बस क्या होता है, साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पी क्या होता है, कोस थीटा वन से लेके कोस थीटा टू तक, तो माइनस ऑफ पी कोस थीटा, ये क्या हो जाएगी उसकी स्थितिज ऊर्जा। ये मैंने बता रखा है पहले कि जो स्थितिज ऊर्जा है और कार्य है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। अगर साम्यावस्था में, स्थायी साम्यावस्था में, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी, और तो यहाँ से पी कितना हो जाएगा, पी ई कोस थीटा, ठीक है। अगर 90 डिग्री पर है तो कितना हो जाएगा, पी ई कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ये आपको पढ़ने और न्यूमेरिकल भी आपको साथ साथ नोट करने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो अगर हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र, तो हम अक्ष पर निकालेंगे और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।